सपने को सच कर दिखाने की कहानी है यूपीएससी की। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स 2019 की परीक्षा में देश में टॉपर बने सचिन कुमार की। वैशाली जिले के जंधा में बेहद गरीब परिवार में जन्मे सचिन के दादा रिक्शा चलाते थे। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूध बेचा, लेकिन दादा भोला राय का सपना था कि उनका पोता हाकिम बने। एक वक्त ऐसा भी आया कि पोते की पढ़ाई के लिए अपने जीविका के साधन एकमात्र गाय को बेच दिया, लेकिन पोते सचिन की मेहनत ने दादा के सपने को आखिरकार साकार कर दिया और सचिन ने यूपीएससी के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स 2019 की परीक्षा में देश भर में टॉप कर दिखाया। बेहद गरीब परिवार में जन्मे सचिन की शुरुआती पढ़ाई अपने गांव सस्तौल के प्राथमिक विद्यालय के सरकारी स्कूल से शुरू की थी। परिवार की माली हालत को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। आज भी सचिन जिस घर में है, मिट्टी की उसकी दीवारों पर ढंग से प्लास्टर तक नहीं है, लेकिन सचिन के दादा भोला राय ने अपने बच्चों के सपनों के साहस को कम नहीं होने दिया। दादा ने सचिन के पिता को पढ़ाया और पिता रमेश कुमार राय मधेपुरा में लाइब्रेरियन बने। दादा का सपना अभी अधूरा था, सपना घर में एक हाकिम का था। पोता हाकिम बने, इसके लिए पोते को बेहतर शिक्षा के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। पोते सचिन ने भी दादा के सपने को अपना सपना बना लिया और फिर शुरू हुई मेहनत और सफलता की कहानी की शुरुआत। गांव के स्कूल से पढ़ाई के बाद सचिन ने सैनिक स्कूल की परीक्षा पास की और 8वीं क्लास तक सैनिक स्कूल नालंदा में पढ़े। 8वीं में बिहार टॉपर है। 8वीं क्लास में देहरादून RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जाने का मौका मिला। 12वीं में तत्काल रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर से सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार मिला। 12वीं पास के बाद 2016 से 2019 में BHU में राजनीति में ऑनर्स किया और ऑनर्स खत्म होने के एक महीने बाद ही UPSC की परीक्षा में बैठे और देश भर में टॉप किया। अपने गांव के टूटे फूटे घर से तैयारी कर टॉपर बने और यहीं रह रहे सचिन बताते हैं कि सपने की उड़ान अभी बाकी है, आगे की कोशिश जारी है। UPSC परीक्षा में देश में टॉप करने वाले सचिन के सपने को सच कर दिखाने की इस कहानी में कई संदेश छुपा है। अभाव और मुश्किलों में अपने लक्ष्य और सपनों से समझौता करने वाले लोगों के लिए सचिन जरूर एक मिसाल बनेंगे, जिसमें तमाम मुश्किल हालात और संसाधनों के बिना भी सफलता के चरम मुकाम को हासिल किया जा सकता है। जी, कठिनाई तो हुई। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के जो प्राथमिक विद्यालय सस्तौल है वहीं से शुरुआत की थी। वहां के बाद मैंने यहां पे 3 साल पढ़ा। उसके बाद 6ठी कक्षा में मेरा सैनिक स्कूल नालंदा में सिलेक्शन हो गया, तो वहां पे मैंने 2 साल पढ़ाई की। उसके बाद 8वीं कक्षा में जब मैं था तो उस समय बिहार में का मैं टॉपर बना और देहरादून के बहुत ही फेमस स्कूल RIMC में मुझे पढ़ने का मौका मिला। वहां से जब मैं 12th में पास आउट हुआ तो तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा मुझे सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। अभी मैंने 2016 से लेकर 19 तक BHU में से BA ऑनर्स किया है और ऑनर्स करने के जस्ट एक महीने बाद मैंने UPSC की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और अभी आगे की ओर कोशिश जारी है। जहां तक कठिनाई का विषय है तो कठिनाई तो इसमें थी कि एक मैं दो चीजों को देखता था। एक तो कि मैं एक के बाद एक मुकाम पाया जा रहा था, दूसरी तरफ जब भी मैं घर पे आता था छुट्टियों में तो देखता था कि घर की हालत, गांव की हालत, तो हर बार मन में ये इच्छा थी कि कुछ ऐसा करूं कि अपना जिला, अपना राज्य का लोग मेरे से कुछ न कुछ स्टूडेंट मोटिवेटेड हो और कुछ करने की गुजरने की सोचे। जी, सही में तो जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। एक मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके बताया था, तो मैं तो बार बार 3 बार अपना रोल नंबर ही चेक कर रहा था कि मैं ही हूँ या कोई और है, तो बिल्कुल अनबिलीवेबल था। और जहां तक गांव का सवाल है तो कभी नहीं सोचा था कि गांव में, मैं देखता था कि कोई भी जो भी है तो दौड़ने की कोशिश करता था ताकि उसका कोई बिहार पुलिस में सिपाही के तौर पे या सेना में सिपाही के तौर पे भर्ती हो जाए। तो मैं सोचता था कि सब सिपाही बनने की सोचते हैं, अफसर बनने की कौन सोचेगा। तो मन में इच्छा था कि यहां से कुछ करे ताकि यहां के भी बच्चे हैं वो अफसर बनने की सोचे। तो अगर मैं इसको आज पा पाया हूं तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं और मुझे लगता है ये मेरे गांव, समाज, परिवार का ही देन है जिसके कारण मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। तो साबित कर दिया। जहां तक बिहार के बारे में है तो बिहार सरकार ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया है। जब मैं सैनिक स्कूल नालंदा में था तो कुछ 40 से 45 हजार तक मुझे स्कॉलरशिप मिलता था।
जब मैं RMC देहरादून में गया तो बिहार सरकार द्वारा 30,000 की मुझे स्कॉलरशिप मिलती ताकि मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूं। तो इसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। जी मैं कुछ हिंदी की पंक्तियां कहना चाहूंगा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। तो मेरे जो मित्र है वो मैंने देखा है कि गांव के बच्चे एक बार फेल हो जाते हैं किसी परीक्षा में तो अपने मुकाम को पाने के लिए वो छोड़ देते हैं। तो कंटिन्यू मेहनत की जरूरत है, लगन की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है। कोरोना काल में पूरे एक साल तक मैंने अपने गांव से ही UPSC की तैयारी की, कोई कोचिंग नहीं लिया है और मैंने फर्स्ट रैंक लिया है। तो गांव के परिवेश के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो सोचते हैं कि UPSC का परीक्षा है तो हम लोग इसे नहीं निकलेगा, तो ये गलत सोच है। अगर आप लगन से मेहनत से काम करते हैं और अपने धैर्य को बनाए रखते हैं तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो क्या कोरोना काल में जो आपने पढ़ाई किया घर पे, जो जनता कर्फ्यू लगा था, क्या इसका भी सहयोग आपका मिला पढ़ाई करने की पूरा पूरा समय घर पे ही रहकर? जी ये तो था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा था तो कहीं ना कहीं टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। अब ये कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू जैसे आपने बोला, तो लॉकडाउन में मुझे घर पे कुछ खाने की चिंता नहीं करनी थी और भी किसी चीज की चिंता नहीं करनी थी, बस पढ़ना था। तो एक तरह तो था कि गांव में हमेशा गाना बजता था, कभी कभी शादी में लाउड स्पीकर बजता था तो काफी डिस्टर्बेंसेस होता था। कभी तो लगता था कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे अखबार भी नहीं आता था यहाँ पे अंग्रेजी वाली, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, 16 घंटे कभी तो कभी 12 घंटे, घंटों घंटों तक बारिश में लाइट कट जाती थी। लेकिन मन में था कि अगर यहाँ से अगर कुछ कर दूं तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ से भी किया जा सकता है। तो इसीलिए कुछ तो कठिनाई थी लेकिन कुछ अच्छाई भी थी। तो इसके कारण से मैं फोकस से पढ़ाई किया और सारी कठिनाइयों को मैंने अपने रास्ते में रोड़े के रूप में नहीं आने दिया। अच्छा सचिन जी का आज जो सफलता हासिल हुई है, पहले जब इनका पढ़ाई होता था तो किस तरह की समस्या होती थी, पूरी बात बताइए। समस्या तो बहुत गरीबी से, बाबा रिक्शा चलाते थे, रिक्शा चला कर परिवार चलाते थे। बहुत उनको शौक थे कि हमर पोता हाकिम बने, वो यही बात कहते थे कि हमर पोता हाकिम बने। वहाँ नालंदा पहुँचाने जाते थे, वहाँ से लाने जाते थे या कहते थे कि हमको पोता हाकिम बने। लेकिन हाकिम नहीं देख पाए, बाबा एक साल पहले गुजर गए। कठिनाई तो बहुत हुआ लेकिन बड़े पापा छोटे पापा ये सब बहुत बेटा की तरह मानते थे, सब आदमी मदद करते थे कि बेटा बहुत गाय पोसे, गाय भी दुगो बेचे, दूध बेचते थे, फिर सेंटर में देते थे पैसा लेकर, फिर पहुंचाते थे वहाँ बनारस। तो फिर बीच बीच में जैसे कि पैसा की मांग होती थी क्योंकि पढ़ाई करने के लिए पैसा जरूरी होता है, तो क्या ऐसा लगा कभी कि पैसा का कमी हुआ? तो फिर क्या किया? पैसा की कमी हुआ तो इधर उधर से लेकर के पुराते थे। और क्या हुआ था, पूरी बात बताइए आप। बहुत ऐसा बात हुआ लेकिन जैसे? बाबा बहुत बहुत गरीबी से झेले, बहुत आगे उन्हें बढ़ाने के लिए कहे कि जो पोता हमको अफसर जरूर होएगा, अफसर के लिए बहुत उनको शौक था कि हमको पोता हाकिम बने, हाकिम हाकिम कहते रहते। तो हाकिम बने बेटा पोता, तो बाबा एक साल पहले भी गुजर गए, नहीं देख पाए। तो क्या आपने एक मवेशी की बात कर रही थी, क्या फी देने के लिए पैसा कम पड़ा, तो क्या किए थे गाय की जो बात बता रहे हैं? यही सेंटर में दूध देते थे तो वहाँ से उठाते थे, अगाऊ उठा लेते थे और वहाँ देते थे। यानी कि दूध बेचकर जो है, दूध बेचकर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।